गाइस वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज ट्रिक में। सो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और आज की जो वीडियो की टॉपिक होगी वो किस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए आपको वीडियो को फर्स्ट से लेकर इन तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, प्रेसिंग द बेल आइकन, बिकॉज आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो की टॉपिक होगी हम लोग किस बात पे डिस्कस करने वाले, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आज की जो वीडियो की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएड जो होगा वो कितने साल का होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और आप पीजी करना चाहते हैं, यानी बीएड करना चाहते हैं, बीएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो बीएड होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कब से लागू होगी। तो ये जो होगी वो 2022 यानी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर बीएड स्टूडेंट, यानी जो बीएड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कितने साल का होगा, तो ये एक साल का होगा, यानी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी, फिर 2 साल का एमए करी, और तो उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये जो बीएड होगी वो 1 ईयर की होगी। सो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप एमए कर चुके हैं और आप बीएड करना चाहते हैं तो ये बीएड जो होगी वो 1 ईयर की होगी। सो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, वेरी बेनिफिट टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल्सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।